नमस्कार, देवदानी ब्लॉग्स के रेसिपी वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं व्हाइट पास्ता। व्हाइट पास्ता बना के आज हम आप लोगों को दिखाएंगे। देखते हैं उसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। आइए देखते हैं सामग्री हमने क्या क्या ली है। पहले पहले हम बनाएंगे व्हाइट सॉस। व्हाइट सॉस के लिए हमें जरूरत पड़ेगी 2 चम्मच मैदे की, और जिसे हम बटर में फ्राई करेंगे। और फ्राई हो जाने के बाद उसमें हम मुझे थोड़ा सा दूध लगेगा, और ये है मेयोनीज और ये है क्यूब चीज़। आप इसमें प्रोसेस चीज़ का ही इस्तेमाल करें। आइए हम देखते हैं इस सॉस हम कैसे बना सकते हैं। तो आइए हम पहले एक कढ़ाई ले लेते हैं, जिसमें हम अपना व्हाइट सॉस बनाकर तैयार करेंगे। जब कढ़ाई हमारी हल्की गर्म हो जाए तो हम इसमें 1 चम्मच बटर ऐड करेंगे। बटर से ही हमें मैदे को हल्का फ्राई करना है, जिससे व्हाइट सॉस का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। बटर डालने के बाद ये हल्का जब मेल्ट हो जाए तो इसमें हम 2 चम्मच मैदा ऐड करेंगे, और इसे मीडियम आंच में हल्का फ्राई कर लेंगे। दो मिनट हो चुके हैं, ये मैदा हल्का गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। आंच को बिल्कुल लो कर लेना है, और अब हम इसमें मिल्क डालेंगे। पहले हल्का दूध देकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लम्स फ्री बना लेंगे। इसमें जरा सा भी लम्स नहीं रहना चाहिए। और फिर अब हम इसमें और दूध ऐड करेंगे, क्योंकि सॉस हमारी थोड़ी पतली रहेगी। देखिए, इसे मैंने दूध डालकर हल्का पतला कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मेयोनीज, लगभग 2 से 3 चम्मच। इसमें हम थोड़ा सा मेयोनीज डालेंगे, 2 से 3 चम्मच, जो हमारे सॉस को थोड़ा सा रिच फ्लेवर देगी, क्रीमी क्रीमी। 2 से 3 चम्मच इसमें हम मेयोनीज डालेंगे। और अब हम इसमें इस क्यूब चीज़ को ग्रेट करके डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला लेना है। हम इसमें क्यूब चीज़ को ग्रेट करके मिला देंगे, जिससे ये सूप को बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे, और इसमें हम थोड़ा कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे, और थोड़ा सा ओरिगेनो। चिली फ्लेक्स आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तीखा पसंद हो तो थोड़ा ज़्यादा ही डालें। और इसे हम मिला लेंगे। जब इसमें बॉयल आने लगे हल्की हल्की, तो हमारा सूप बनकर तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और लम्स फ्री बनाने के लिए, लम्स हटाने के लिए आप इस स्पैचुला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा सॉस बनकर रेडी हो गया। अब हमने दूसरी कढ़ाई ले ली है, इसमें हम पास्ता फ्राई करेंगे, और सॉस वाली कढ़ाई हमने इधर कर दी है।
अब हम पास्ता बनाएंगे। पास्ता बनाने के लिए हमें बटर की ज़रूरत पड़ेगी। हम बटर में ही आज पास्ता फ्राई करेंगे, जो कि हमारे पास्ता को बहुत ही रिच टेस्ट देगा। और हमने ले लिया है थोड़ी सी फाइनली चॉप की हुई गार्लिक, और ये हमने थोड़ा सा प्याज ले लिया है, ये गाजर है, और ये बॉयल किया हुआ कॉर्न, स्वीट कॉर्न, और ये थोड़ी सी हमने शिमला मिर्ची स्क्वायर में कटी हुई ले ली है। ये हमने पास्ता बॉयल करके रख लिया है। तो आइए हम लोग बनाते हैं पास्ता। और ये हमारे मसाले, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, कुटी हुई काली मिर्च और नमक। तो आइए बनाते हैं हम लोग पास्ता। सबसे पहले हम कढ़ाई में बटर डालेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसे हम लो ही, मीडियम से लो ही में बनाएंगे। हम अपनी सारी सब्जियों को इसमें फ्राई करेंगे। जैसे ही मेल्ट हो जाए बटर, हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। बटर मेल्ट होते ही सबसे पहले हम इसमें फाइनली चॉप किया हुआ गार्लिक डालेंगे, और इसका कच्चापन दूर होने तक इसे पका लेंगे। गार्लिक जैसे ही हल्की गोल्डन हो जाए, इसमें हम स्क्वायर शेप में कटी हुई अनियन को डालेंगे, और इसे भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसका सिर्फ कच्चापन दूर करना है, इसे सॉफ्ट नहीं होने देना है, क्योंकि ये क्रंची ही वाइट पास्ता में अच्छा टेस्ट देगी। अब इसमें हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे। आप इसमें अपनी पसंद की और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, जैसे पीली शिमला मिर्च हो गई, रेड शिमला मिर्च हो गई, ब्रोकली, ये सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। और ये हमने गाजर भी ऐड कर दिया है, और इसे हम कच्चापन दूर होने तक पकाएंगे। सब्जियों को हम 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसका कच्चापन सिर्फ दूर हो जाना चाहिए, इसे सॉफ्ट नहीं करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न। आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न को भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। स्वीट कॉर्न को डाले हुए हमें 1 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें पास्ता डालेंगे। इसमें हमने पास्ता डाल दिया है। अब इसे 1 से 2 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। पास्ता को हमने अच्छे से 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हम इसमें स्वाद अनुसार डालेंगे। और अब इसमें हम सॉस डालेंगे, व्हाइट सॉस। अब हम इसमें व्हाइट सॉस डालेंगे, जो हमने पहले तैयार करके रख लिया था। इसमें हमने व्हाइट सॉस डाल दिया है, और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, ताकि ये थोड़ी सी खाने में जूसी लगे। और इसमें अब हम थोड़ा सा मसाला डालेंगे। मसाला हमें डालना है हल्की सी कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा ऑरिगेनो। और इसे हम मिला लेंगे। हमारा वाइट पास्ता बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रहेगी। हम वाइट पास्ता निकाल लेंगे सर्विंग प्लेट में, और इसे मसाले के साथ गार्निश करेंगे, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगेनो। ये हमारा व्हाइट पास्ता बनकर तैयार है। तो कैसी लगी ये रेसिपी,
कमेंट करके बताइएगा और घर में ही बना के टेस्ट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये रेसिपी पसंद आया या नहीं। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब करें और इसी चैनल पर हमारे डेली ब्लॉग्स आते हैं, इसी पे हमारी रेसिपी वीडियो आते हैं। ऐसी ही नई नई रेसिपी की वीडियो और ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम भी ऐसी ही नई नई वीडियो आपके सामने लेकर आते रहें। धन्यवाद।